गुड मॉर्निंग बच्चों, आर से एजुकेशन अप के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तद्धित प्रत्यय। कल हमने कृत प्रत्यय पढ़ लिया था। कृत प्रत्यय के पांच भेद होते हैं, कौन कौन से, कृतवाचक, क्रमवाचक, भाववाचक और करणवाचक और क्रियावाचक। और आज हमारे हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं, सात भेद हैं। अब देखो, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब इस जो क्रिया होता है, क्रिया के साथ जो शब्द जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव प्लस ता माना ता, जादू प्लस घर जादूगर, बाल प्लस पन बाल पन। तो तद्धित प्रत्यय हैं, इसके कितने भेद हैं, सात भेद हैं। कौन कौन से, कृत वाचक तद्धित प्रत्यय, भाव वाचक तद्धित प्रत्यय, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, गुण वाचक तद्धित प्रत्यय, स्थान वाचक तद्धित प्रत्यय, मुद्दा वाचक तद्धित प्रत्यय और स्त्री वाचक तद्धित प्रत्यय। इस प्रकार जो तद्धित प्रत्यय हैं इसके कितने भेद हैं, सात भेद हैं। जो तद्धित प्रत्यय है इसके कितने भेद हैं, सात भेद हैं। और जो कृत प्रत्यय थे उसके कितने भेद थे, उसके थे पांच भेद। जो कृत प्रत्यय था वो क्रिया के साथ जुड़कर, क्रिया के बाद में जुड़ता था। और जो तद्धित प्रत्यय है वो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय हैं वो सात प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृतवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, संबंधवाचक, मुंतावाचक और स्त्रीवाचक। ये सात हैं जो कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय। पढ़ेंगे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय के, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। पहला है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। कि कृतवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, इसमें वो एक कृतवाचक कर्ता का बोध कराने वाले। कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं कृतवाचक प्रत्यय, आर, गर, ई और वाला, जो ये चार हैं वो कौन से हैं, सुनार, लुहार, कुम्हार। घर से जादूगर, कारीगर, इसे माली, वाली, वाला, वाला है, गाड़ी वाला,
टोपी वाला, साड़ी वाला, ये क्या है? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद में भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? भाव का बोध कराने वाले, तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहत का आपा और ई, कड़वाहट, घबराहट, तासे, सुंदरता, मानवता, आपा से मोटापा, बुढ़ापा, इसे गर्मी, ये जो शब्द है ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है और ये कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। इसके बाद में है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय है वो कितने प्रकार के होते हैं? सात प्रकार के होते हैं। और कृत प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के? पांच प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने दो दो तद्धित प्रत्यय पढ़ लिए। कौन कौन से? क्रमवाचक, सॉरी कृतवाचक और भाववाचक। तीसरा हमारा है संबंधवाचक कृत सॉरी तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जो ये प्रत्यय है ये कौन कौन से हैं? एक आलू, इला और तर। एक से जैसे शारीरिक, मानसिक,
धार्मिक, इसी प्रकार आलू प्रत्यय लगाने से कृपालु, श्रद्धालु, लीला से रंगीला, चमकीला, उत्तर से कठिनतर, निम्नतर, उच्चतर, ये क्या है? संबंधवाचक। चौथा है गुणवाचक तदुपरि। गुण का बोध कराने वाले प्रत्यय गुणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। गुणवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वान, गुणवान, बलवान, दयावान, ये भारतीय, राष्ट्रीय, जैसे क्रोधी, रोगी आदि, ये सब कौन से प्रत्यय हैं? गुणवाचक तदित प्रत्यय। संबंधवाचक प्रत्यय हो गया, गुणवाचक चार हो गए, अब हमारे तीन और बचे हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। भी स्थानवाचक तदित प्रत्यय, स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय, स्थान का बोध कराने वाले प्रत्यय, स्थानवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि स्थान वाला,
स्थान का नाम होना चाहिए स्थानवाचक में, जैसे वाला से शहर वाला, गांव वाला, कस्बे वाला। इया से जैसे उदयपुरिया, जयपुरिया। ई रूसी, चीनी, राजस्थानी, ये क्या हो गई स्थानवाचक तभी प्रत्यय हो गई। छठा है पूर्णतावाचक तभी प्रत्यय। पूर्णतावाचक तभी प्रत्यय किसे कहते हैं? पूर्णता का अर्थ होता है लघुता, यानी कि छोटा, किसी चीज का छोटा रूप, बड़े से छोटा रूप। लघुता का बोध कराने वाले प्रत्यय पूर्णतावाचक कभी प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रुपिया, जैसे भी कोई चीज है लोटा बड़ा होता है तो ये रुपिया, कुटिया किसी रहने का स्थान छोटा स्थान होता है उसे कुटिया कहते हैं। इसी प्रकार ई से प्याली, छोटा रूप हो गया एक, नाली और बाली। बी से चमड़ी पकड़ी, ओला से खटोला, सकोला। ठीक इसी प्रकार सातवां है स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय। स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले प्रत्यय वाले प्रत्यय स्त्रीवाचक तभी प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आयन से क्या बन गया पंडित आयन, ठाकुर आयन। ठीक आयन के बाद इन, इन से मालिन, कुम्हारी, नी से शेरनी, मोरनी, आनी से सेठानी,
पटरानी, जेठानी, ये सारे कौन से हैं? स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय। तो इस प्रकार हमारे जो हिंदी के प्रत्यय हैं कृतवाचक और तदित प्रत्यय, वो आज कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है। आगे और बाकी जो एक और बच गया फिर उसे विदेशी प्रत्यय, वो हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।